अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन अब्बास AIOU एडवर्टाइजमेंट की जानिब से। तो डेयर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर, हमने एडमिशन फ़ीस जमा करवा दी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फ़ीस जमा हो चुकी है या फिर अभी तक नहीं हुई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रेश एडमिशन और जारी एडमिशन दोनों की फ़ीस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको फ्रेश स्टूडेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि जिन्होंने पहली बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वो स्टूडेंट्स किस तरह और कैसे चेक कर सकते हैं कि उनकी फ़ीस जमा हो चुकी है या फिर नहीं हुई। तो फ्रेश स्टूडेंट्स दो तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एक तरीका मैनुअली तौर पर है कि अपने प्रॉस्पेक्टस के थ्रू फॉर्म लेकर बाय पोस्ट अपना एडमिशन करवाया है, और दूसरा तरीका यह है कि आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को फिल किया है। तो जो स्टूडेंट्स प्रॉस्पेक्टस के थ्रू अपना एडमिशन करवाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज की सूरत में एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है। जो नंबर उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया होता है उस नंबर पर यूनिवर्सिटी एक मैसेज करती है, तो उस मैसेज के अंदर एक लिंक होता है। आप उस लिंक के थ्रू अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाकर अपने अकाउंट को ओपन करते हैं। जब आप अपना अकाउंट को ओपन करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो आपने इस पेज के बिल्कुल एंड पर आ जाना है। तो यहाँ आपको चलान के ऑप्शन में अगर पेड का ऑप्शन लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी है, आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है। और अगर आपको यहाँ अनपेड का ऑप्शन मिलता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी फ़ीस अभी जमा नहीं हुई। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में फ्रेश एडमिशन लिया था, तो वो स्टूडेंट्स भी इसी पेज पर आकर चलान की फ़ीस को चेक कर सकते हैं। उनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड पहले से मौजूद होता है। तो इस तरह फ्रेश स्टूडेंट्स अपनी एडमिशन फ़ीस को चेक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जारी स्टूडेंट्स के हवाले से, जिन्होंने अपने दूसरे सेमेस्टर का या तीसरे का या चौथे का या फिर किसी फेल सब्जेक्ट का एडमिशन करवाया है, तो वो किस तरह चेक करेंगे कि हमारी फ़ीस जमा हुई है या फिर अभी तक नहीं हुई। तो वो स्टूडेंट्स CMS पोर्टल अकाउंट को ओपन करेंगे, तो वहाँ आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और आगे स्टूडेंट इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको व्यू और सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। तो इस पेज पर अगर आपको पेड का ऑप्शन लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब यह है आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है, और अगर आपको यहाँ सबमिटेड का ऑप्शन लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी फ़ीस अभी जमा नहीं हुई। तो उम्मीद है मैंने आपको फ्रेश स्टूडेंट्स और जारी स्टूडेंट्स के हवाले से मुकम्मल गाइड कर दिया है और इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप किस तरह अपनी एडमिशन फ़ीस को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो को यहीं रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।